नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर मिल रही है महासमुंद से। आपको बता दें, जिले में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। बीती रात एक हाथी ने दो ग्रामीणों को कुचला। हाथी ने एक दिन में दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजू विश्वकर्मा और परमेश्वर कुमार की हाथी ने जान ले ली। जिले में हाथियों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। जिले में एक सप्ताह के भीतर तीन लोगों को हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता ताराचंद पटेल जुड़ चुके हैं। हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में फिर एक बार दो लोगों की जान ले ली, क्या जानकारी है? जी प्रसिद्ध, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले में बीती रात तकरीबन 8:30 बजे एक दोपहर हाथी ने राजू विश्वकर्मा महासमुंद निवासी महादेव घाट पठार से अपने घर वापस आ रहा था। उसी दौरान गौरखेड़ा के पास हाथी ने अचानक हाथी के साथ अचानक आमना सामना हो गया, जिससे हाथी ने राजू विश्वकर्मा को कुचल कर मार डाला। और उसी हाथी ने महज 3 किलोमीटर दूरी पर मूंगफली का रखवाली कर रहे परमेश्वर कुमार को जो है पटक पटक कर मार डाला। जिले में लगभग सप्ताह भर में तीन लोगों को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया है। और हाथियों का आतंक जो है लगातार क्षेत्र में बना हुआ है। लोग दहशत में हैं और हाथियों से महासमुंद जिले में जो है अलग अलग क्षेत्रों में कुल लगभग अब तक 28 लोगों को जो है कुचलकर मार डाला है। वन विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है इस आतंक को रोकने के लिए? ताराचंद, शासन स्तर पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक महासमुंद जिले वासियों को जो है हाथियों से निजात नहीं मिल पा रही है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद शासन सिर्फ गजराज वाहन और उसके निगरानी के लिए ही एक अच्छी पहल की जा रही है उनके द्वारा, और काफी कोई ठोस कदम शासन स्तर पर उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। लोग जो है यहाँ महासमुंद जिले में दहशत में है। जी, तो आतंकियों हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में आपको बता दें, बीती रात दो लोगों की फिर मौत हो गई। हाथियों ने कुचल कर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिले में दहशत का माहौल है।